हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर को अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अनहाइड करने के लिए आप फ़ोन के कोई सही ब्राउज़र में उसे यूट्यूब ओपन करें, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए और उसमें यूट्यूब, जैसे मेरा देखिए यूट्यूब ओपन यहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब ओपन हो जाने के बाद आप इसे डेस्कटॉप साइड पर ओपन करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं थ्री डॉट्स लाइन है, आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे तो देखिए डेस्कटॉप साइट है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करें तो देखिएगा आपको चैनल जो है यूट्यूब डेस्कटॉप साइट में खुल जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका लोगो, आपका लोगो यहाँ पे है यूट्यूब। आप जो अपने यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो उसमें आप लोगो डाले होंगे, तो यहाँ पर आप यहाँ पे लोगो पे क्लिक करें। लोगो पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यूट्यूब स्टूडियो है, यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो क्लिक करें। यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आप देखिए खुल जाएगा सर। आप फिर इसके बाद आप नीचे जाएं, नीचे जाने पे देखिएगा आप यहाँ पे नीचे में सेटिंग है, सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे चैनल, चैनल का ऑप्शन है, चैनल पे क्लिक करें। चैनल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस सेटिंग। आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग देख रहे हैं, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करें। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा सब्सक्राइबर काउंट। यहाँ पे आप, आपको ये लगा होगा ऐसे टिकआउट किया होगा, टिकआउट किया होगा। अब इस टिकआउट को आप हटा दीजिएगा तो आपका सब्सक्राइबर काउंट होना बंद हो जाएगा, आपका सब्सक्राइबर दिखना कितना सब्सक्राइब किया हुआ है ये दिखना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने अनहाइड कर सकते हैं सब्सक्राइबर को। जैसे कि देखिए मैं अपना अनहाइड करके रखे हुए इसी तरह से, और फिर नीचे यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे सेव कर दें, सेव कर दें, यहाँ पे टिक आउट करके सेव कर दें। इसी तरह से आप अपने सब्सक्राइबर को अनहाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।